चलिएगा। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो हिंदी की उत्पत्ति शौर शैनी अपभ्रंश से हुई है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भाषा जिसे विश्व में सर्वाधिक लोग अपनी मातृभाषा समझकर बोलते हैं, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, हिंदी। भाषा जिसे विश्व में सर्वाधिक लोग अपनी मातृभाषा समझकर बोलते हैं, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चीनी। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, मंदारिन, स्पेनी। निम्नलिखित में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मंदारिन। अगला क्वेश्चन, संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तीसरा स्थान है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है गाइस, बुंदेली हिंदी की एक बोली है, तो पवारी और राठौरी क्या है? उपबोली, अपभाषा, उपभाषा, भाषा। बुंदेली हिंदी की एक बोली है, तो पवारी और राठौरी क्या है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपबोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी किस परिवार की भाषा है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हिंदी जो है गाइस ये भारूपीय भाषा है। प्राकृत भाषा से आशय क्या है? प्राकृत भाषा से आशय है, प्राकृत भाषा से आशय है संस्कृत से पूर्व की भाषा, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है? प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है? प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है गाइस? ये कहा जाता है पाली को, तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर गाइस, अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता हेतु तो किस प्राकृत का उपयोग किया है? अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता हेतु तो किस प्राकृत का उपयोग सॉरी प्रयोग किया है? आज का टारगेट रहेगा इस वीडियो पर 1000 लाइक का, टारगेट पूरा करिए आप लोग, आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू मिलेंगे। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मागधी। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकाली है? सॉरी, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? तो पूर्वी हिंदी जो है गाइस ये अर्ध मागधी से निकली है, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, अवधि का आरबी भाव कब से माना जाता है? अवधि का आरबी भाव कब से माना जाता है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ईसवी सन की 10वीं शताब्दी। ओके, अगला क्वेश्चन है गाइस, पद्मावत की भाषा है, पद्मावत की भाषा है मैथिली, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली। पद्मावत की भाषा है, तो पद्मावत जो है गाइस ये अवधी की भाषा है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, कन्नौजी, ब्रज, ब्रजबुली। विनय पत्रिका की भाषा है, सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, तो विनय पत्रिका की भाषा है, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ब्रज की। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे गाइस, अगला क्वेश्चन है, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास निम्नलिखित में से किससे हुआ है? शौरसेनी, प्राचड़, अर्धमागधी, मागधी। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मागधी आंसर हो जाएगा। ओके, 15वां क्वेश्चन है गाइस, पश्चिमी हिंदी राजस्थानी और गुजराती अपभ्रंश के किस रूप से निकलती है? अर्धमागधी, पैसाची, शौरसेनी, मागधी।
सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शौर शैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ है? ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ है? सो गाइस, ब्रजभाषा का विकास शौर शैनी से हुआ है, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, काव्य भाषा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, खड़ी बोली हिंदी का पूर्व रूप है। खड़ी बोली हिंदी का पूर्व रूप है। सो गाइस, खड़ी बोली हिंदी का अवहट ये पूर्व रूप है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के काव्य में निम्नलिखित में से किस भाषा का परिनिष्ठित रूप दृष्टिगोचर होता है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ब्रज भाषा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किसके शासन काल में ब्रज भाषा की विशेष उन्नति हुई? किसके शासन काल में ब्रज भाषा की विशेष उन्नति हुई? अकबर के शासन काल में, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, सूरदास का काव्य किस भाषा में है? मैथिली, अवधी, बुंदेली, ब्रजभाषा? सूरदास का काव्य किस भाषा में है? सो गाइस, सूरदास का जो काव्य है ये ब्रजभाषा में, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस बोली का अपना कोई साहित्य नहीं है? किस बोली का अपना कोई साहित्य नहीं है? अवधी, ब्रजभाषा, कमौनी, बघेली? डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बघेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, पूर्वी हिंदी की बोली है बुंदेली, बघेली, कनौजी, बांगरू? पूर्वी हिंदी की बोली है, सो गाइस, पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है गाइस? तो पूर्वी हिंदी जो है गाइस ये अर्धमागधी से निकली है, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास किससे हुआ है? बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास किससे हुआ है? ये हुआ है गाइस मागधी से हुआ है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी की तीन बोलियां कौन कौन सी हैं? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। बिहारी की तीन बोलियां कौन कौन सी हैं? तो गाइस देखिए, बिहारी की तीन बोलियां हैं मैथिली, मगही और भोजपुरी, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? अवधी, कन्नौजी, बांगरू, तेलुगु? कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तेलुगु। अगला क्वेश्चन, आर्य शब्द इंगित करता है। सो गाइस, आर्य शब्द ये इंगित करता है, किसे इंगित करता है? तो आर्य शब्द है जो गाइस ये इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है गाइस, अपभ्रंश और हिंदी के बीच के समय को क्या कहते हैं? अपभ्रंश और हिंदी के बीच के समय को क्या कहा जाता है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। अपभ्रंश और हिंदी के बीच के समय को कहा जाता है संक्रांति काल, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सामान्य अर्थ में हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? सामान्य अर्थ में हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 18 बोलियां हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का उपयोग करने वाला पहला लेखक कौन था?
काव्य व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, बहादुर शाह जफर, फैज। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है गाइस, कश्मीर में राजभाषा है हिंदी, उर्दू, दरद, अंग्रेजी। कश्मीर में राजभाषा है, सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। सो गाइस, कश्मीर में राजभाषा है उर्दू का, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू जो है गाइस ये किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की, ईरानी। सो गाइस, उर्दू जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है, तो ए सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन एक सूफी कवि नहीं था? कुतुबन, जायसी, हमीर हसन, अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से कौन एक सूफी कवि नहीं था? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा लगे अगर आप लोगों को, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है गाइस। निम्नलिखित मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान है? अबुल फलज, फैजी, अब्दुल रहीम, खान खाना, अब्दुल कादिर बदाउनी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अब्दुल रहीम खान, खान खाना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? बल्लवाचार्य, कबीर, सूरदास, तुलसीदास। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ ये किया था गायस बल्लभाचार्य ने, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गायस, क्वेश्चन है हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है ऋग्वेद में, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद। हिंदी का प्राचीनतम रूप ये किससे मिलता है? सो गाइस, हिंदी का प्राचीनतम रूप जो है ये मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आप हिंदी को नीचे लिखे वर्गों में से किस वर्ग में रखेंगे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप हिंदी को नीचे लिखे वर्गों में से किस वर्ग में रखेंगे? भाषा में रखेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट, ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है खड़ी बोली का सबसे पहले उपयोग किसने किया? अमीर खुसरो, ईशा अल्लाह खां, शदल मिश्र, लल्लू लाल। खड़ी बोली का सबसे पहले उपयोग किसने किया? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि खड़ी बोली का सबसे पहले जो उपयोग है ये किया था अमीर खुसरो ने, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगदूत, उदयनमादन, लोकमित्र, प्रजाहितैषी। हिंदी का पहला समाचार पत्र की बात हो रही है गाइस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदयनमादन, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश की भाषा है गुजराती, मराठी, खड़ी बोली, भोजपुरी। सत्यार्थ प्रकाश की भाषा है, सो गाइस सत्यार्थ प्रकाश की जो भाषा है ये खड़ी बोली होगी, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? हिंदी प्रदीप, इंदु, कवि वचन सुधा, भारत बंधु। भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो भारतेंदु ने कवि वचन सुधा का संपादन किया, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिहारी किस राजा के दरबारी थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बिहारी किस राजा के दरबारी थे? सो गाइस, बिहारी जो है ये राजा जय सिंह के दरबारी थे, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। हरिवंश राय बच्चन, क्रप, क्या भूलूं क्या याद करूं, निम्नलिखित में से क्या है? हरिवंश राय बच्चन द्वारा क्रप, क्या भूलूं क्या याद करूं, निम्नलिखित में से ये क्या है? आत्मकथा, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजभाषा का सही अर्थ क्या है गाइस? राजभाषा का सही अर्थ की बात हो रही है यहाँ पे, तो राजभाषा का सही अर्थ होता है गाइस सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा, तो टी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि
संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 343। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार कितनी अवधि के लिए संघ शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करता रहेगा? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 वर्ष। ओके, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 18 भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं है? नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, कोंकणी। संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 18 भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैथिली। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 49वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस। संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? सन 1955 में। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा गाइस, आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप क्या है? आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ब्राही। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।